प्रताप नगर क्षेत्र में प्रेशर से मिलेगा पानी, 3 करोड़ की लागत से होंगे पेयजल आपूर्ति के काम, मंत्री देवरानी ने किया शुभारंभ। प्रताप नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों को आने वाले दिनों में अच्छे प्रेशर से पानी मिलेगा। अभी इन क्षेत्रों में पानी आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। इन क्षेत्रों में पानी आपूर्ति की व्यवस्था को सुधारने के लिए 3 करोड़ की राशि से काम होंगे। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने इन कार्यों को शुभारंभ किया। देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर को भी 24 घंटे में पानी देने के लिए 66 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है। विषय भी है वो भी मैं आज अजमेर के जन में काफ़ी कॉलोनियों के अंदर पानी की समस्या से ग्रस्त थी। हर कॉलोनी जहाँ जाता था लोग कहते थे कि पानी कम प्रेशर से आ रहा है या लाइनें टूट रही हैं, तो उसके लिए 3 करोड़ की लागत से लगभग 13.5 किलोमीटर पाइपलाइन स्वीकृत कराई। उसमें से इस क्षेत्र के अंदर आपके पीली खान, प्रताप नगर और जेलर की गली में हमने 400 और 500 कुल मिलाकर के 1300 मीटर पाइपलाइन जो 4 इंच उसको स्वीकृत कराई है, जो आगामी 15 से 20 दिनों में ये इंजीनियर्स लोग डाल देंगे। उससे यहाँ अभी जितना पानी आ रहा है लगभग उससे 1.5 गुने से अधिक पानी आएगा, जिससे जनता को राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ अजमेर की जनता को रोज़ाना पानी मिले, इसके लिए हमने नई योजना बनाई है। लगभग उसमें अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और सरकार के प्रयत्नों से 66 करोड़ रुपए लगभग व्यय होंगे। उसे समय ज़रूर लगेगा ताकि यहाँ का स्टोरेज और यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह इम्प्रूव हो, ताकि सरकार के मानने तक हम अजमेर के जन को जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है पूरा पानी मिले, पूरी बिजली मिले, सड़कें ठीक हों, चिकित्सा सुविधाएं ठीक हों, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। मुझे लगता है कि पहले की तुलना में आज कंपेयर करके देख लें कि अजमेर में अरबों रुपए हम लाए हैं, धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं, तो परिवर्तन आने में कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से अजमेर एक सारे राजस्थान के और देश के नक्शे पर ऊपर आएगा। यहाँ की जन को हर समस्या को हम राहत देंगे।